हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में। और किचन में आज क्या बनने वाला वो मैं आगे चल के पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो है ये मूंग की दाल है, तो आज मैं यही बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये अगर इस तरीके से बनाओगे तो। सबसे पहले और ये जो है ना, धो के दो तीन पानी से धो के और ऐसे छलनी में मैंने रख ली, तो इसका पानी निचुड़ जाएगा। तो अब आगे तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। आप देसी घी में बना सकते हो, आप मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा देसी घी। और अब इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसमें दाल डालनी है। और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, बेसिकली घी के साथ इसको थोड़ा सा भून लेना है। जब इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए और जो ये छन छन की जो आवाज़ है ना, ये ख़त्म हो जाए। और वैसे तो नॉर्मली दाल ऐसे बनती है कि भाई पानी डाल के और हल्दी नमक मिर्च वगैरह डाल के और उसमें विसल लगवा ली, लेकिन आप इसको ना ऐसे बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है। और ऐसे ना कोई भी दाल बना सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि आपने मूंग की दाल ही बनानी है, ऐसे आप कोई भी दाल बना सकते हो। मैं कई बार ऐसे दाल बना लेती हूँ तो वो ना अलग ही टेस्ट की बनती है, अलग ही लेवल की दाल बन जाती है बिल्कुल। चलिए अभी ये बुन चुकी है तो गैस को कर देंगे सिम पे और इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, तो लाइक हल्दी और नमक डाल के और इसको इसमें पानी डाल के और एक विसल आने तक इसको पका लेंगे और फिर उसके बाद इसमें लगेगा तड़का। तो चलिए ये हो गया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और तेज आंच में इसको भूनना है, लेकिन अब सिम आंच कर देनी है क्योंकि अब हमने इसमें पानी डालना है। अब इसको लगा देंगे और सिम आंच पे ना एक विसल आए तब तक पकानी है। तो मैं इसको पका लेती हूँ और मैं अपने लिए बना लेती हूँ एक कप कॉफ़ी, क्योंकि आज मेरे सिर में हो रहा है दर्द। मतलब दर्द भी क्या, एक अजीब सा भारीपन सा महसूस हो रहा है, तो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए। तो अब देखते हैं अपनी दाल को, और दाल का कलर तो बहुत फैंटास्टिक बना हुआ है और लगता है ऐसे ही जैसे ही बॉयल होगी बस इसको ऐसे ही खा ले। अब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगेगी क्योंकि इसको भून के बनाया है। तो चलिए अब दाल को तो एक साइड में रख देते हैं और रख देते हैं अपनी कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी और फुल फ्लेम पे तड़का लगाएंगे। और घी गर्म होने के बाद इसमें डाल दी दो साबुत लाल मिर्च और साथ में डाल दिया है जीरा। जीरा क्रैकल होने के बाद इसमें डाल देते हैं हींग, और हींग अच्छे से पकने के बाद अब इसमें डाल देंगे प्याज और लहसुन, बारीक चॉप कर रखे हैं वो। और प्याज और लहसुन अगर आप ना खाते हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, आप इसको स्किप कर सकते हो। बाकी प्याज लहसुन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है तो आपको ज़रूर खाना चाहिए, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है प्याज का, तो यहाँ पे डाल देते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो थे वो थोड़े लंबे लंबे थे इसलिए मैंने इसमें तोड़ के ऐड कर दिए हैं। तो कड़ी पत्ता से जो दाल का टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है, और ये कड़ी पत्ता वैसे भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है तो इसको आप ज़रूर से अपने खाने में ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर प्याज को अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल डार्क कलर नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो तब तक। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, तीखे वाली भी और कलर वाली भी, और साथ में डाल देंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला।
तो गरम मसाला और धनिया जो पाउडर है वो मैं इकट्ठे धनिया जो इकट्ठा मैं पीस लेती हूँ। तो गरम मसाला कम होता है और धनिया ज़्यादा होता है। चलिए अब ये मसाला भी पक गया है तो इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर जो है प्यूरी भी बना के डाल सकते हो, लेकिन मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर रखे हैं, प्यूरी से थोड़े से दरदरे। तो अब इसको बहुत अच्छे से पका लेना है और इसको ढक के और थोड़ा सा सिम आँच पे इसको रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, तब तक जब तक ये मसाला घी रिलीज़ ना कर दे। तो यहाँ पे अब मैंने गैस को तेज़ कर दिया है और अब ये मसाले की शक्ल देखो, माशाल्लाह बहुत ही फैंटास्टिक ये मसाला बनके रेडी हुआ था। और अब इसमें ऐड करने की बारी आती है दाल की। तो ये जो दाल है मूंग की दाल है ये, और भून के बनाई हुई बनाओगे तो दाल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो अब इसमें अगर आपको गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, और आपको ज़्यादा पतली दाल चाहिए गाढ़ी दाल चाहिए वो आपकी अपनी चॉइस है, सबका अपना टेस्ट होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कुकर था वो भी मैंने उसमें पानी डालकर हल्का सा मिक्स करके जो भी दाल उसमें चिपकी हुई थी वो भी मैंने कढ़ाई में ऐड कर दी है। तो अब इसको सिम आँच पे ही हमने थोड़ी सी देर के लिए ढक के और पकाना है। और अब ये जो दाल है ना, आप ज़रूरी नहीं है कि मूंग की दाल आपने बनानी है, आप कोई भी दाल आप ऐसे भून के बना सकते हो, बहुत ही फैंटास्टिक बहुत ही बढ़िया टेस्ट की बनेगी। कोई भी गेस्ट आता है उनके लिए ऐसे बनाओगे ना तो वो पूछते रह जाएंगे कि आपने ये दाल कैसे बनाई, हम बनाते तो ऐसे नहीं बनती है। तो ये यूट्यूब पर पहली बार किसी ने शेयर की होगी ऐसे दाल भून के बनाने की रेसिपी। चलिए अब ये फुल फ्लेम पे इसको एक बॉयल आने तक मैंने इसको बॉयल कर दिया है, और ताकि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था वो भी पक जाए। अब मैं लास्ट में डाल देती हूँ हरी मिर्च, थोड़ा सा बीच में चीरा लगा के। तो जो रेगुलर मेरे ब्लॉग देखते हैं, रेगुलर मेरे से टच में है, तो उनको पता है मैं लास्ट में सब्ज़ी हो या दाल हो या कुछ भी हो उसमें लास्ट में मैं हरी मिर्च डालती हूँ। और ये हरी मिर्च बाद में जैसे हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो जाती हैं जब रोटी के साथ खाते हैं ना, बड़ी टेस्टी लगती हैं, और इसमें जितना भी मसाला होता है सब्ज़ी में वो मिर्च के अंदर आ जाता है, तो ये मिर्च ना बहुत टेस्टी लगती हैं। और अब दाल पक चुकी है तो अब इसमें बारी आती है 1 चम्मच घी डालने की, और यहाँ पर कसूरी मेथी भी क्रश करके आप डाल सकते हो, धनिया अगर पत्ती है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास धनिया अभी ख़त्म हो रखा था इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया, था ही नहीं तो ऐड कहाँ से करती है ना। तो अब यहाँ पे इसको ढक के और सिर्फ आधे मिनट के लिए और छोड़ देंगे, फिर बाकी इसको बंद कर देंगे गैस को, और हमारी जो दाल है वो बनके हो जाएगी तैयार। इसको चूरमे के साथ खाओगे ना माशाल्लाह मज़ा आ जाने वाला है आपको। तो अब यहाँ पे तलन साहब के लिए मैंने थाली लगा दी, ये ज्वार की रोटी बना दी है, और दाल में मैंने 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया था इसलिए सूखी रोटी यहाँ पे रखी है, साथ में प्याज दे दिए हैं, और हरी मिर्च की जो है वो चटनी बना रखी थी मैंने सिलबट्टे पे वो है, और ये दाल है बहुत ज़्यादा टेस्टी है, थाली बन के रेडी। और ये अभी मैं अपना खाना बना लाई हूँ, और अभी शाम होगी मैं बताऊँगी कितना टाइम हो गया है। तो ये मैं एक ज्वार की रोटी और जो दाल बनाई है उसे मैंने भिगो ली है, और ऊपर मैंने कच्चे प्याज काट लिए हैं। और बेसिकली अभी टाइम कितना हो गया, 7:45 हो गए हैं, लेकिन दिन में ना बुखार की वजह से ना मुँह इतना कड़वा था तो मुझे मतलब भूख ही नहीं लगी। फिर 2 बजे के आसपास आ गई देवरानी, तो फिर 2:30 बजे से थोड़ी सी चाय बना ली थी, और तैलन साहब अपने फ्रेंड के पास गए थे, उनका कोई काम था वो करने के लिए, और अभी एक हमारे फूफा जी हैं तो उनकी तबीयत ख़राब है तो वो उनके पास चले गए हैं। और आज मैंने ये वाले ऑयल मंगवाए हैं, ये बादाम ऑयल है और ये कोकोनट वर्जन ऑयल है। तो हमारे यहाँ ना एक प्लांट लगा हुआ है, तो एक हमारे सर्कल में उन्होंने भाई साहब ने लगाया हुआ है, तो उनसे ले लेते हैं। तो वो मतलब जैसे कोल्लू पे तेल निकालते हैं ना, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे करके, तो ऐसे उन्होंने एक प्लांट लगा हुआ है, तो वहाँ से ये ले आते हैं, जो रेगुलर मैं अपने सिर में भी लगाती हूँ और अपना जैसे हाथों पे फेस पे भी यूज़ करती हूँ। तो अब मैं ये रोटी खा लेती हूँ, और मैंने कल रोटी खाई थी 2:30 के आसपास, और आज मैं भी खा रही हूँ, तो इतना कड़वा मुँह हो रहा है, तो वो बुखार की वजह से है या पता नहीं क्या है। तो अभी मैं रोटी खा लेती हूँ और तैलन साहब आके खाएंगे, तो कह रहे थे कि रोटी खाऊंगा लेकिन मैं आके खाऊंगा,
तो कितनी देर में आते हैं तो वो पता नहीं। तो अभी 7:45 हो गए हैं, तो मैं खा लेती हूँ खाना। और वैसे मन तो अभी भी नहीं है, लेकिन वही है कि खाना तो पड़ता है। तो अभी और यहाँ पे एक सूट मैंने कई दिन से काट रखा था, तो वो मतलब कुछ तबीयत थोड़ी सी ढीली थी और कुछ काम में मैं लगी रहती थी, तो अब ये थोड़ा 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 करके और ये मैं कल पूरा करूँगी बेसिकली। आज तो ये होगा नहीं, आज मैंने कमीज़ पूरा किया है और हाफ सलवार मैंने सील दी है। तो ये है, अब मशीन को मैं समेट देऊँगी और खाना खा के कुछ बर्तन हैं, कुछ बर्तन पड़े हैं वे साफ करूँगी। तब तक तलान साहब आ जाएंगे, उनके लिए रोटी बनाऊँगी और फिर शायद दही जमानी है, देखूँगी दही कितनी रखी है, क्योंकि आज मैंने दिन में रोटी नहीं खाई तो मैंने लस्सी भी नहीं ली, और अब तो मैं लस्सी लेंगी नहीं। तो ये है, तो मैं खा लेती हूँ खाना और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया, क्योंकि गर्म दाल में ना रोटी भिगो दी थी मैंने, तो थोड़ी सी ठंडी भी होगी होगी। तो मैं तो अब मैं ये जो सेवैयाँ मैंने तोड़ी थी ना, अब वो भूनने का काम कर रही हूँ। और अब इसमें मैंने डाल दिया है देसी घी, और इसको हम सिम आँच पे ही भूनेंगे, काफ़ी देर में भुनेगी ये, लेकिन जब भी आपने ऐसे भूननी है तो सिम आँच पे ही भूननी है, नहीं तो तेज़ आँच करोगे तो ऊपर से तो जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। फिर जब इसको स्टोर करोगे ना, तब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। तो इनको सिम आँच पे भूनना है, और जितने पेशेंस के साथ इनको भूनोगे उतनी ही ये टेस्टी बनेंगी और इनकी शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और देसी घी में इसको भूनना है ताकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाए और टेस्ट भी बढ़ जाए और खुशबू भी बढ़ जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसको सेवियों को भूनना है। देखो हम इतनी मेहनत से इनको भून तो लेते हैं ना, तोड़ तो लेते हैं, लेकिन जब भूनने में की बारी आती है ना, जब हम किसी भी रिफाइंड में भून लेते हैं या फिर कच्चा इनको रख देते हैं या फ्रीज में इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल के नहीं रखते हैं, तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो थोड़ी सी लापरवाही से ही ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसको मैं भून के धीमी धीमी आंच पे और फिर इसको बिल्कुल ठंडा करके, अभी देखो शाम है तो इसको मैं अभी भूनूंगी और इसको छोड़ दूंगी ऐसे ही किसी थाली वगैरह में डाल के, और ऊपर से जो छलनी वगैरह है वो ढक दूंगी, और फिर सवेरे इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के और फिर फ्रिज में रखूंगी। फिर ये पूरा साल आप इसको कभी भी इंजॉय कर सकते हो। देखो इसको मीठा दूध दूध में बना सकते हो, बॉयल करके फिर शक्कर के साथ खा सकते हो, आप इसको नमकीन बना सकते हो, जैसे मैगी बनाते हैं ना, मैगी मसाला डाल के इसको बनाओगे ना, बहुत टेस्टी लगती हैं। और कोई भी सब्जी इसमें ऐड करके वो बना सकते हो, चीज़ डाल के बना सकते हो, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे किसी भी प्रकार से बना सकते हो। और हेल्दी भी है क्योंकि ये सूजी की है, मैदा की नहीं है। तो मैं पूरे साल का कोटा पूरा कर लेती हूँ इन्हीं गर्मियों में, यानी जो जैसे गर्मी शुरू होती है ना, अभी तो जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में तोड़ सकते हो, क्योंकि बारिश के मौसम में वैसे भी बाहर मार्केट वार्केट में जाना कम ही होता है या कहीं भी रिश्तेदारी में जाना कम ही होता है, क्योंकि पूरी रास्ते तो जो है रोड टूटे हुए पड़े हैं, पानी भरा पड़ा है, तो इसलिए काम भी कम ही हो जाता है बारिश के मौसम में। तो इसलिए बारिश के मौसम में अपना घर में बैठे बैठे इनको तोड़ सकते हो। तो ये घर की बनी हुई चीज़ें और हेल्दी वे में अगर बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती हैं, शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और हेल्दी तो ऑफकोर्स होती होती हैं। तो इसको मैं भून लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ, धीरे धीरे इनका कलर चेंज होगा। और इसे मैंने, यानी ये जो सेवैयाँ है ना, ये लगभग 3 पाव सूजी की हैं, मतलब 1 किलो सूजी से थोड़ी सी ये मैंने सूजी रख ली थी, यानी 3 पाव सूजी है उसकी ये सेवैयाँ हैं। तो इसमें मैंने 3 चम्मच, जो हम जिससे खाना खाते हैं ना वो चम्मच, 3 चम्मच इसमें मैंने जो घी डाल दिया था, और गाय का घी मैंने इसमें डाला है। तो इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर, ये देखो
बिल्कुल धीरे धीरे इसको भूनूंगी। तो इसको मैं भून लेती हूँ और भूनने के बाद मैं दिखाऊंगी कि ये कैसे बन गया। और अभी मेरे फ्रिज में भी रखी है पहले की तोड़ी हुई, एक बार पहले तोड़ी थी मैंने, तो वो भी मैंने भून के रख दी थी। तो वो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे होगी हैं वो। तो ये देखो, ये ऐसे डब्बे में मैं डाल कर रख लेती हूँ और इसको मैं खोल इसको हिला दूँ, नहीं तो ये नीचे लग जाएंगी। तो ये ऐसे करके मैं इनको भून लेती हूँ। बिल्कुल हल्का हल्का कलर चेंज है इनका और ये बिल्कुल एक एक बिल्कुल अलग अलग दाना दाना खिल जाता है। तो आप ऐसे भून के रख सकते हैं इनको। और मैं जो है ऐसे ऐसे दो तीन डब्बे भर के रख लेती हूँ। और तैलन साहब भी बड़े खुश होके खाते हैं। तो रोटी खाने का जैसे मन नहीं हो ना, थोड़ा दूध में बना ली, नमकीन बना ली, वैसे बॉयल कर ली, बेटी भी वो चाव से खाती है। तो बेटा जब यहाँ आ जाता है तो उसके लिए उन लोगों के लिए बना देती हूँ, तो वो भी बहुत खुश होके खाता है। तो ये है, तो अभी ये देखो थोड़ी थोड़ी भुननी शुरू हो गई है। तो ये बिल्कुल अब लास्ट तक मैं धीमी धीमी आंच पर ही इनको भूनूंगी। तो इसको मैं भून लेती हूँ और फिर मैं दिखाऊंगी ये कैसे कलर हो गए इनका। वैसे तो ये भूनने वाली हैं, जल्दी भून जाती हैं, लेकिन सिर्फ मंदी आंच पे ही भूननी है। मतलब लग जाते हैं शायद 10 मिनट तो लग ही जाते हैं इसको भूनने में। और बाकी इसकी क्वांटिटी के ऊपर बात है और कितनी मोटी तोड़ रखी उसके ऊपर भी बात हो जाती है। तो इसमें जो अभी मेरी मैं जो सेवियाँ भून रही हूँ इसमें लगभग 8 मिनट तो लगी जानी है, क्योंकि 6 मिनट तो हो चुकी हैं, दो तीन मिनट और लग जाएंगे। तो वही है कि 10 मिनट का के आसपास लग जाएंगे। तो इनको मैं भून लेती हूँ और अब ये देखो इसका कलर चेंज हो गया ना। तो इतनी हमने भून लेनी है, इससे ज़्यादा भूनोगे ना तो थोड़ा कड़वा टेस्ट देगी जब इसको बनाओगे ना, तो ये थोड़ा कड़वा कड़वा टेस्ट देगी। तो बस इसी स्टेज पे हमने गैस को बंद कर देना है। तो गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दी है और इसको थोड़ी सी देर यानी 1 मिनट के लिए और इसको मैं ऐसे ही चलाती रहूँगी, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना ये गर्म है, या तो इसको तुरंत निकाल लो तो ठीक है, अगर कढ़ाई में छोड़नी है तो गैस को बंद करने के बाद 1 मिनट और ऐसे चला दो और फिर आप कढ़ाई में छोड़ सकते हो। तो मैं इसको कढ़ाई में छोड़ दूंगी और इसलिए मैं इसको 1 मिनट और चलाऊंगी। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है। देखो खाना बनाने का, किचन संभालने का, घर संभालेगा, सबका अपना मेथड होता है। बस तरीका पता होना चाहिए ये चीज़ कैसे बनती है। तो छोटी छोटी अपनी है ना टेक्निक्स जो अपना के और उसको और भी ज़्यादा हेल्दी टेस्टी खूबसूरत बना सकते हो। तो ये बात करते करते 1 मिनट भी होगी है। तो अब मैं इसको जो है ढक के और छोड़ दूँगी। तो मैं इसको जाली से ढक दूँगी। कहाँ गई बड़ी जाली। ये रही ना, इससे मैं ढकूंगी। एक बार और चला देती हूँ ताकि अगर प्लेट से ढकेंगे ना तो प्लेट जैसे ऐसे ढकेंगे ना तो इसके यहाँ नमी आ जाएगी, यानी जो पानी पानी सा हो जाएगा तो ये सोगी हो जाएंगी। तो दूध पर ढक देते हैं प्लेट और इस पर ढक देते हैं जाली। तो ये ऐसे इसमें से जो इसकी गर्माइश है ना वो निकल जाएगी और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। तो फिर सवेरे इसको मैं कंटेनर में डाल के रख दूंगी।